दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि राम रावण युद्ध के बाद वानर सेना का क्या हुआ, कहाँ चले गए सुग्रीव और अंगद जैसे महान योद्धा और बाकी उनकी वानर सेना, तो इसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, भगवान राम ने माँ सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका विजय की थी। इस युद्ध में उनकी सहायता वानर सेना ने की थी। कहते हैं कि महान योद्धा सुग्रीव और अंगद के नेतृत्व में करीब 1,00,000 की संख्या में वानर सेना थी। मगर सवाल ये है कि आखिर युद्ध के बाद इस वानर सेना का क्या हुआ और सुग्रीव और अंगद जैसे योद्धा कहाँ चले गए। रामायण के उत्तरकांड में इस बारे में जानकारी मिलती है कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे की सिंधा है, जहाँ के आसपास भी ऐसी कई गुफाएं हैं और जगह है जहाँ राम और लक्ष्मण रुके थे, यहीं पर वानर साम्राज्य भी था। लंका विजय के बाद जब सुग्रीव वापस लौटे तो श्री राम ने उन्हें वहाँ का राजा बना दिया, साथ ही बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित कर दिया। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री रहे। सबने मिलकर काफी सालों तक यहाँ राज किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। तो उसके बाद वानर सेना का क्या हुआ होगा? तो किष्किंधा के पास में घने जंगलों वाला एक इलाका है जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाली जनजातियों को वानर कहा जाता था। इस वानर सेना का कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि इसके अलग अलग झुंड थे। ये सेना किष्किंधा, कोल, भील, रेख और वनों में रहने वाले रहस्यवादियों का संयुक्त रूप थी। हर झुंड का एक सेनापति था जिसे युद्धपति कहा जाता था। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर पर रिक्ष सेना का प्रबंध किया था। जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान राम अयोध्या लौटे तो उसके पास लंका और किष्किंधा दोनों को ही अपने अधीन करने का प्रस्ताव था, मगर उन्होंने मना कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा सौंप दिया। ऐसे में वानर सेना जो अयोध्या श्री राम के राजाभिषेक में आई थी वो वापस लौट गई और अपने अपने राज्य के अधीन हो गई। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही कई वर्षों तक रही थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रावण से राम को जीतने में सबसे बड़ा योगदान कौन दिया था, आप हमें कमेंट में बताएं। और आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।